दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ साथ ही बगल में आएगा बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को प्रेस करके लाइक कर लीजिए ताकि हर टैक्स रिलेटेड आपको सबसे पहले मिलती रहे नमस्कार दोस्तों मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्जवल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल गाइड फॉर टेकोज्वल में दोस्तों आप में से काफी लोग यार मुझे कमेंट कर रहे थे जियो प्राइम मेंबरशिप को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि आप लोग पूछ रहे थे कि 31 मार्च 2019 के बाद क्या होने वाला है हमारे प्राइम मेंबरशिप को लेकर अपडेट जियो की तरफ से तो मैंने एक वीडियो बनाई थी और अगर आपने नहीं देखी है तो आप चेकआउट कर सकते हो चैनल पे और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोग की तरफ से मिला उस वीडियो को तो थैंक यू वैसे ही आप भाई लोग बहुत सपोर्ट करते हो तो थैंक यू और अभी तक इस वीडियो को भी लाइक कर ही दिया होगा मेरे को हंड्रेड परसेंट है कि वीडियो को लाइक आपने कर ही दिया होगा इस वीडियो को और दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर अभी आप कोई न्यू सिम खरीदते हो जियो का तो प्राइम मेंबरशिप का क्या सीन है जिन लोगों ने खरीदा है उनकी तरफ से मुझे क्या पता लगा और मैंने कुछ कंफर्मेशन किया है प्राइम मेंबरशिप को लेकर जिन लोगों ने सिम लिया कि उनको कैसे क्या मिल रहा है तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ इस वीडियो में बने रहेगा लेकिन दोस्तों मैंने एक और मैं अपडेट देना चाहूँगा कि मैंने एक स्मार्ट टीवी की अनबॉक्सिंग डाली है जो कि एक 4K स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी है तो फुल अल्ट्रा एच डी आप मतलब 4K मैंने उस इस आपको टीवी मिल जाती है तो मैंने उसकी अनबॉक्सिंग डाली है उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला है तो प्लीज़ अगर आप एक अच्छे प्राइस में एक 4K टीवी मतलब फुल एच डी भी बेहतरीन 4K टीवी चाहते हो एंड्रॉयड टीवी अगर आप चाहते हो स्मार्ट टीवी चाहते हो और काफ़ी बड़ी भी चाहते हो तो मैंने अनबॉक्सिंग है आप नीचे आपको लिंक मिल जाएगा आप चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को और दोस्तों अगर तक अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों अगर बात करते हैं Jio की तो Jio के यहाँ पर बहुत ढेर सारी यूजर है पर डे बात करें तो बढ़ते ही जा रहे हैं और काफ़ी लोग यार सिम ख़रीदते हैं पर डे सिम बहुत बिकते हैं जियो के और उनमें से मेरे को कुछ कमेंट्स मिल रहे थे मेरी वीडियो जो भी थी कि मैं सर यहाँ पर एक प्राइम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि मैं यहाँ पर एक सिम ख़रीदने जा रहा हूँ क्योंकि पहले क्या होता था आप सिम कभी भी ख़रीदो तो आपको थर्टी फाइव मतलब थर्टी वन यहाँ पर आपको डेट रहती थी लास्ट मतलब इकतीस मार्च यहाँ पर लास्ट डेट रहती थी वैलिडिटी की प्राइम मेंबरशिप की तो वो यहाँ पर इकतीस मार्च के बाद ख़त्म हो ही जाती थी लेकिन अब यहाँ पर जिन लोगों ने रिचार्ज करा रहे हैं तो आप में से काफ़ी लोग कमेंट थे कि सर अगर मैं रिचार्ज सिम नया ले रहा हूँ तो सर मेरे को क्या क्या यहाँ पर होने पर मतलब कैसे रिचार्ज होगा सर जो नाइन्टी नाइन का रिचार्ज होता था अपना मेम्बरशिप का कितनी वैलिडिटी मिलेगी तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ लोगों से कंफर्म किया और जियो से भी मैंने यहाँ पर बात की तो मुझे ये पता लगा है कि आप अगर अभी भी रिचार्ज करते अभी आप इसे सिम खरीद लेते हो जियो का तो आपको जो प्राइम मेंबरशिप मिलेगी वो वन ईयर की ही मिलेगी ऐसा नहीं कि वो थर्टी वन यहाँ पर थर्टी फर्स्ट मार्च को यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी इकत्तीस मार्च दो हज़ार उन्नीस को ख़त्म हो जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे अगर आप सिम आज लेते हो तो आज से ठीक एक साल बाद तक उसकी वैलिडिटी रहेगी मेरे यहाँ पर एक अभी दोस्त हैं आप कह सकते हो उन्होंने एक सिम ख़रीदा है तो उनकी जो वैलिडिटी दिखा रहा है वो यहाँ पर आपकी दिसंबर मंथ में ख़त्म होगी प्राइम मेंबरशिप की लेकिन उन्होंने सिम अभी कुछ दिन पहले ही लिया है तो उनकी जो दिखा रहा है वो दिसंबर 2019 की प्राइम मेंबरशिप दिखा रहा है तो यही मुझसे पता मुझे यहाँ पर यही पता लगता है कि अगर आप आज सिम खरीदते हो तो आपसे ठीक एक साल बाद आपकी ज्वेलरी है वो ख़त्म होगी और नाइन्टी नाइन अभी तक आपको देने पड़ेंगे आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर ये यह भी पूछ रहे थे कि आप ये बताइए कि 31 मार्च के बाद मतलब 31 मार्च 2019 के बाद हम लोग प्राइम मेंबरशिप खत्म हो जाएगा पिछले साल तो यहाँ पर मुकेश अंबानी जी के द्वारा फ्री कर दिया गया था एक साल बस आपको माई जियो में जाके अपनी जो कंप्लेन है अभी आप कह सकते हो आपको बस जियो कंपनी को यहाँ पर जियो को बताना होता है कि इस नंबर पे मेरा प्राइम मेंबरशिप एक्टिवेट कर दे बस आपको माई जो ऐप में जाके एक्टिवेट करना होता था बस आपको वन ईयर फ्री यहाँ पर आपको मिल गया था पिछले साल 2018 में बात करें इकतीस कर मार्च के बाद 2018 में आपको प्रा प्राइम मेंबरशिप फ्री में मिली थी एक साल के लिए और आपको बस जियो ऐप में जाकर एक्टिवेट करना था लेकिन अब बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको रिचार्ज कराना पड़ जाए आप देखते नहीं यार कुछ भी हो सकता है अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं तो मैं अपनी तरफ से ऐसे कोई झूठ वूट नहीं बोल सकता लेकिन अभी जो आपके सवाल था मैंने आप लोग को बता दिया हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको रिचार्ज हो सकता है कराना पड़ जाए आपकी बारी इकत्तीस मार्च टू के बाद जो भी आपका अब ऑफ़र आएगा इकत्तीस मार्च को ही पता चलेगा कि क्या अपडेट रहता है आपको कराना है रिचार्ज या फिर से वन ईयर फ्री हो जाता है वो आने वाला समय बताएगा लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप अगर सिम लेते हो तो आपको वन ईयर का प्राइम मेंबरशिप मिल जाता है और नाइन्टी नाइन आपको देने पड़ेंगे ठीक एक साल तक उसकी वारंटी रहेगी जिसमें कि प्राइम मेंबरशिप में होता क्या कि आप जो जियो के जो सब्सक्रिप्शन ऐप्स हैं उनको फ्री में आप मजे ले सकते हो काफ़ी और भी चीज़ें यहाँ पर सर्विस जियो की तरफ से फ्री मिल जाती है उनके प्राइम मेंबर्स के लिए दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा अभी भी आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप नीचे प्लीज कमेंट करिए कमेंट क्या करिए मैं यहाँ पर आंसर देने के लिए बैठा हूँ तो प्लीज़ यहाँ पर कमेंट करिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसमें रोजाना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज लेकर आता रहता हूँ फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम अपना ख्याल रही